अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मौसम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मुंबई। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल ये खूब पड़ेगा आज। पढ़ देखो भाई, अब पढ़ेंगे भाई। टाइटल तो पता चल गया, बताना कि हंसना ही देख लो। मुझे ना थोड़ी सी है तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो करने के लिए तकलीफ हो रही है। ये आपको पता है, मुझे रात के वक्त से ये रात पर तो होती है ना। तो टाइटल पढ़ दे मौसम। मुझे नहीं आता भाई, मौसम बढ़ता है। इमरान खान ऑडियो लीक्ड रोस्ट। इमरान खान रोस्ट पाकिस्तान फनी रोस्ट प्रोफेशनल। चलो इससे कुछ निकाल लो। हाय, तो भाई साहब वीडियो थोड़ी सी पुरानी है लेकिन बड़ी रिकमेंडेड वीडियो। कह रहा था भाई यूकूब के साथ ये वीडियो करो, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्शन कर देंगे। कौन करते हैं? 3-2-1। ऑडियो लीक भाई कुछ तो कहो इमरान खान की ऑडियो लीक पर। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो भाई लोग आप लोगों की डिमांड पर हम सब मिल के आपके सामने पेश करना चाहते हैं। अबे तू कहां से आ गया? पहले कटोरा खान को तो पहलने दे, तेरा नंबर बाद में आएगा। ऐसे नहीं हो सकता है। अरे बिल्कुल होगा, रुको जरा, सब्र करो। तो भाई लोग कटोरा खान की लीक ऑडियो तो आप पहले ही सुन चुके होंगे, जिसमें कटोरा खान एक महिला से अश्लील बातें करके चरम सुख की प्राप्ति कर रहा है। जब तुम थक जाओगे ना तो फिर मैं पीछे डालूंगा। देख रहा कैसे गंदी गंदी बातें करता है आदमी। और भाई मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये ऑडियो ना सिर्फ आपने सुना होगा बल्कि ऑडियो सुनकर आप लोगों का कहना होगा, मैंने अपने कानों से देखा। इमरान खान की ऑडियो में उस लेवल का फर्क है कि लोग ऑडियो में वीडियो का आनंद ले रहे हैं, कुछ ऑडियो सुनकर शर्मा रहे हैं, तो कुछ ऑडियो सुनकर घबरा रहे हैं, और बचे इमरान खान समर्थक तो वो ऑडियो सुनकर अपना हिला रहे हैं। ऑडियो को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ऑडियो में सुनाई दे रहा बंदा इनका मसीहा कटोरा खान है, उनका तो बस यही कहना है। अपने को क्या है? अपने को सिर्फ पानी निकालना है। भाई वो क्या है ना, ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का क्या है? हाँ समझ गया, यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं। और कटोरा खान तो अपने स्टाइल में ही खेल रहा है। जेमिमा रहम, बुशरा बीवी समेत 3 महिलाओं से ताबड़तोड़ शादियाँ, एमा सनगन, गोल्डी हॉर्न, सारा क्रॉली, लीजा सूसी जैसी 50 लड़कियों के साथ अबे संबंध। इसके अलावा फिजा अकबर, किरण नाज, आयला मलिक जैसी मशहूर एंकर इसकी रखेल भी हैं। या एक लाइन में कहें तो काफी फैलावा बिजनेस है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। इस बंदे की धड़क का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि बंदा एक बार लिफ्ट से गिरने के बाद टूट फूट कर हॉस्पिटल पहुँचा तो जो नर्से वहाँ मौजूद थी वो नर्से भी इसे हूरे नजर आने लगी थी। 2013 में मैं वो इलेक्शन कैंपेन में लिफ्ट से गिर गया, शौक थाना में पहुंच गया। इससे डॉक्टर आसिम ने वो टीका ऐसा लगाया, वो जो नर्सेस थी वो मुझे हूरे नजर आनी शुरू हो गई। इससे ज्यादा खड़कपन और क्या होगा? मतलब डॉक्टर ने ऐसे इंजेक्शन लगाया और ये अपना इंजेक्शन नर्सों को लगाने का जुगाड़ देख रहा था। मतलब जहाँ बंदे का पूरा शरीर काम नहीं कर रहा वहाँ भी बंदे का मेन पार्ट बराबर काम कर रहा था, नर्से पूरे नजर आ रही थी। देखो दर्द की चेहरे से टपकती है नंबर 1 का कमीना, नियत में खोल साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। लेकिन कटोरा खान के इतना ठरकी होने के बावजूद भी पोर्कियों को इससे ज्यादा शरीफ कोई दिखाई नहीं देता बल्कि उल्टा इनका कटोरा खान की ऑडियो को लेकर कहना है। हूबहू आवाज बनाना इंतहाई आसान है। इमरान खान की फेक ऑडियोज बनाई जाती है फिर सोशल मीडिया पर फैलाई जाती है। भाई मुझे लगता है कटोरा खान के साथ इसे एंकर की भी ऑडियो आने वाली है, तभी ये इतना फर्जी चिल्ला रही है ताकि लोग फर्जी समझकर उसे भी इग्नोर कर दें। वैसे भी आजकल पाकिस्तानी एंकर्स कटोरा खान की टांगों तले फंसी हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में पाकिस्तान की एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो कि इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग और मुल्क की वकार बढ़ाने का सबब बने। हमारे साथ है इमरान खान। आपका आवाज इधर देखने लगता है मेरे को। हाँ भाई सही पहचाना, यही है वो अबला नारी जो इमरान खान की लीक ऑडियो में अपना तबला बजवा रही है। जल्दी से आओ वापस। कैसे आओ तुमने, मेरा क्या हाल के मैं भी वो डॉक्टर को निकाल कर तो नहीं दिखा सकती। भाई कुल मिलाकर देखा जाए तो कटोरा खान का हर ऑडियो में बस यही कहना है आप दो ना, आप दो ना। और उधर कटोरा खान की ऑडियो सुनने के बाद इसकी पार्टी के नेता कुछ नहीं बचा, लेकिन
इतना कुछ रायता फैलाने के बावजूद भी कटोरा खान को जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि कटोरा खान का कहना है ये जो टेप्स है और ये जो वीडियोस बनाई हुई है, 28 साल की उम्र से कम 66% पाकिस्तानी है, उनके लिए सोशल मीडिया पे एक गन चलाना ये हमारी दीन के खिलाफ है। कुरान की आयत है कि अपने दूसरों के गुनाह पे पर्दा डालो। अब भाई एक बात बताओ, जब इस बंदे ने कुछ किया ही नहीं तो ये किस गुनाह पर पर्दा डालने की बोल रहा है? मतलब अब घुमा फिरा के खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, और भाई ये एक्सेप्ट नहीं भी करता तो ऑडियो की फोरेंसिक जांच भी हो चुकी है और ऑडियो की सच्चाई, इनकी जो ऑडियो लीक हुई है उसका हमने साइट पे फॉरेंसिक करवाया, वो बिल्कुल सही है, जेन्युइन है। और जैसे ही कटोरा खान की बीवी को इस ऑडियो के बारे में पता चला कि ये रियल है, तो कटोरा खान से उसकी बीवी, अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। तुम करोगी? हाँ मैं करूँगी। तुम करोगी? हाँ करूँगी। तो मैं भी करूँगा। मतलब क्लियर कर चुकी है, कटोरा खान इनडायरेक्टली खुद मान चुका है, लेकिन कटोरा खान समर्थक अब भी मानने को तैयार नहीं कि ये ऑडियो रियल है। और भाई मुझे पक्का यकीन है ये बोर्गी तब भी नहीं मानेंगे जब कटोरा खान की वीडियो लीक होगी। अब तो भाई ये तभी मानेंगे जब कटोरा खान एक एक करके पर्सनली सबकी लेगा। नहीं तू समझा नहीं। पता नहीं भाई कटोरा खान ने अपने समर्थकों को कौन सा नशा करा दिया है कि बंदे इमरान खान के समर्थन में अंधे हो गए हैं, कोई खुद इमरान खान से लुटने को तैयार है। I love you, Imran. I really love you and wanna marry with you. तो कोई अपनी अम्मी को ही लुटवाने को तैयार है। और आपकी अम्मी क्या चाहती है इमरान खान के लिए? वो इमरान खान से शादी करना चाहती है, उनकी बहुत बड़ी बहन है, तो आपके अब उसे ही बोलेंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। अब भाई जैसा पॉलिटिकल का लीडर होगा वैसे ही तो उसके समर्थक होंगे। वैसे भी कटोरा खान तो पहले ही बोल चुका है अपनी कौम को, जागी हुई कौम को और जगा रहा हूँ। और भाई ये तब तक जगाता रहेगा जब तक ये हर पाकिस्तानी महिला पर कब्जा नहीं कर लेगा, क्योंकि कटोरा खान ने पूरे मुल्क का माहौल इस तरह हफ्सी बनाया हुआ है कि इस बंदे का ऑडियो छोड़ो वीडियो भी लीक हो जाए तब भी ये पोर्की यही कह रहे होंगे इस कौम को सिर्फ इमरान खान चाहिए। इस कौम को इमरान खान चाहिए या तुझे इमरान खान का चाहिए? करो तुम्हारा समस्या क्या है? कटोरा खान के प्रति इस कदर बावली हो गई है कि उसकी शादी अफेयर और रखेल के बारे में जानने के बावजूद भी उससे शादी के लिए मरी जा रही है। एक मशवरा दे दे इमरान खान को, मुझे शादी कर ले। और उधर पाकिस्तानी लौंडे जो इस बात से परेशान है कि इमरान खान हर लड़की को पेल रहा है, वो इमरान खान से, मेरी आपसे गुजारिश है आप हमारे कपड़े अंडरवियर बनियाने उतार दें ताकि पता चले लोगों का कि आपका शौक क्या देखने और दिखाने का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलें जी वीडियो भाई खत्म हो गया। भाई साहब खान साहब तो जानबाज निकले, जानबाज या अच्छा तुमने देखा है दुनिया कैसे मरती है उन पर? खान साहब मरते और वो भी तो मारता है जो जो मरती इसके बाद बकवास है। क्यों बकवास है? कैसे गाना सुना ले बोल रहे हैं ऐसे रिपोर्ट करवाई उन्होंने, सारा झूठ है लो जी उन्होंने झूठ क्या है? झूठ होता है खान साहब ने एक दफा बोला कि मैंने ये ऐसी गलत बात मैं वही खान साहब ये सारा कोई गलत वीडियो आज बनाई जा रही है मुझे बदनाम करने भाई ना कोई मानते ही नहीं हो ना भाई साहब ना। अगर वो इतने बुरा है कानों से सुना, अगर वो इतने बुरा है तो आवाम आज भी उसके पीछे क्यों लगी हुई है बता? वो दो बुरे के पीछे बुरे के पीछे बुरे ही लगते हैं। अच्छा फिर सारे पाकिस्तान बुरे ही है और भारत का नहीं लगे इसके सारा पाकिस्तान बुरा है? ये मेरे को भी शर्म कर रहे मैं भी नहीं जो उसकी बुराई को भी अच्छाई समझे अलग है वो उसके अंदर बुराई एंट्री है मैं वो लफ्ज बोल नहीं सकता जो टिपू सर ने बोला गलत लफ्ज है। अच्छा वो इसलिए बोला कि जो बता रही थी। अच्छा जो मोदी साहब के जितनी इंटरव्यू लेने जाती लड़कियां इंडिया की क्या हम भी वो ही समझे फिर ऑडियो लीक करा दे फिर एक मिनट कितनी लाखों ऑडियो लीक हो सकती है इतने भी हो सकती है क्योंकि आवाज ही तो दूसरी लगानी है बस थोड़ी सी मोदी साहब की आवाज लगानी है इतने में हो
तो राणा तो खुद अपनी मालिश करवा रहे टांगे उठा के अच्छा वो राणा जो मतलब पीठ अपने ऊपर करके मालिश करवा रहा है एक मालशी से सारा नंगा होके वो झूठ है भी नजर आ रही सब कुछ टकम हो रहा है वो झूठ है। तो ये जो ऑडियो चली हुई है ये सच हो गया है, ये सच है। जो मरियम की ऑडियो चलती है वो झूठ है, ये सच है। जो बिलावल की ऑडियो चली है वो झूठ है, ये सच है। जो मोहम्मद जुबैर साहब की गवर्नर साहब की ऑडियो चली है शहबाज शरीफ की बीवी एक्सप्रेस की एंकर उसके साथ मोहम्मद जुबैर की जो वीडियो चली वो भी झूठ है, इमरान खान की ऑडियो सच है। अच्छा वो भी सच होंगी, वो क्या बात है, हम भी कह रहे हैं क्या बात है भाई। चल हम मान लेते हैं वो सच है, सब वो जी अच्छे से पेलते हैं मान दे। तू खान वो भाई खान साहब ने शादी के अलावा नहीं कुछ किया क्यों? पहले की बात हो रही है, जब क्रिकेट खेलते थे खान साहब जो है वो तो है कह रहा था सभी ने की है। पता क्या कह रहे हो यार, पता क्या भाई, उन्होंने सभी ने गलती की है, इसने भी की है। शादी कर आपने शादी की है, उसके अलावा किसी को कुछ नहीं होता। नहीं उसने ये तो रिश्ते भाई सभी उसकी बहनें हैं बेटियों जैसी है सब कुछ एहतराम का रिश्ता ये तो तेरे बकवास है ना, ये तेरी बकवास है। अच्छा अगर इतना बुरा है आगे से नहीं, आपने सुना आगे से क्या कह रही थी आगे से उसका जो फॉलोअर है वो क्या बोल रहे हैं, मेरी माँ जो है वो आपसे प्यार करती है, वो आपसे शादी करना चाहती है। अगर जिस तरह से शादी लड़की इसके बहन बेटियों को पेश कर रहे हैं आई लव यू इमरान खान। अच्छा यार मुझे यार उस लड़की को किसी को इमरान खान ने खुद बोला मुझसे शादी कर, तो खुद अपनी मर्जी से आप तो लड़की कह देते हो शादी करना चाहती हूँ। चलो वो मान लिया गलत है, और जो कह रहा था कि जब तुम आगे से थक जाओगे मैं फिर पीछे से लूंगा यार, वो तो ऑडियो चलवाई गई है ना, ऑडियो से बंदे को भाई साहब जो हकीकत है वो दिखाई गई। मुझे आपको मनवाना कोई इतना जरूरी नहीं, लो जी ठीक है आपको मनवाना तो जरूरी नहीं, वो खान के पास पे सब भाई वो ऑडियो झूठ है। एंकर पर्सन मुझे ज्यादा तंग ना दो भाई, एंकर लड़की पता क्या इस बात को कभी भी नहीं मान सकता। ऑडियो सुनी है जान मेरी निकल सकती है लेकिन मैं ऑडियो को हकीकत नहीं मान सकता। लेकिन जब तक इमरान खान यकूब भाई को ना झूठ तब तक इसे प्रूफ नहीं मिलेगा वो लाल टोपी की। अच्छा एक सैयद को लड़के सैयद आपको याद है वीडियो की थी वो जो मरी के अंदर है नथिया गली के अंदर आपने बोला था एक खुसरे के साथ इमरान खान की ऑडियो उसने दिखाई थी आपने बोला था, उसने बोला था पांच दिन के बाद मैं वीडियो लाऊंगा इस तारे भाई आज भी वीडियो नेट के ऊपर मौजूद है। मैंने इसको बोला था अगर ये पांच दिन में वीडियो ले आए तो मैं इमरान खान का साथ छोड़ दूंगा, उसके बाद बोलना भी छोड़ दूंगा, शब्द भी दूंगा। इस बात को आज छह महीने हो गए अभी तक उसने कोई सैयद ने वीडियो नहीं लेके आया ना तारक सबूत की उसको लेके आया। अच्छा फिर कैसे माने ऑडियो साथ इसने पता क्या पता है खान साहब जो है ना एक इसलिए छोड़ के चलेंगे क्योंकि ये लड़कों की भी बजाते थे आप ना बनवाओ ये आप इसे ना बनवाओ रखा हुआ था भाई साहब आप जैसे जाते हैं फिर क्या करें। मैं बजाने वाला बजवाने वाले बजवाने वाले आप बजवाने वाले बजाता तो है ना आप बजवाने वाले हो भाई साहब जो ये बजाता तो है ना भाई मेरी बात मान ना दो ना तरह से बजाता है आपने बजाने वाले से बनाया है आपने बनाया है वो नहीं इस तरह वो ऑन ऑर्डर है आर अंडर तो है ही। अच्छा ये बता खान आर अंडर तो है ही बजाता है या नहीं बजाता क्या ढोलकी बजाता है क्या आगे पीछे से ढोलकी भाई साहब कह रहा था पहले मैं जब तुम थक जाओगे फिर मैं पीछे। ओ भाई ये सब सरासर झूठ है, झूठ बंदे को बदनाम करना इस मुल्क के अंदर इस बंदे के पीछे सारे गाने लगे इन तीनों जैसे करप्ट इंसान भी लगे हैं जो नवाज शरीफ को 21 दिन को फूल पहनाएंगे ये सारे भक्त उनके ये इमरान खान के खिलाफ है ये उसको दूसरी दफा इकदार में आना नहीं देखना चाहते
ये मुल्क को ये नहीं सुधरने देते इन जैसे भक्त जो है। जिस तरह हम नहीं कहते मेरी बात सुन, जिस तरह हम कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठ कर इतने लोगों ने बोला कि मुझे इस तरह लगे जैसे ऊपर से कहता है पर्ची नहीं लेकर चलता, पर्ची की जमाने की जरूरत है कि नहीं। मामा तू भी झूठ, तू मान जा भाई साहब, तेरे टिब्रू साहब ने भी झूठ बोला है। टिब्रू तो वैसे ही झूठ की वीडियो बनाता है क्योंकि उनको कुछ आते ही नहीं झूठ के। इसके अंदर जो बोला गया इमरान खान के बारे आज जो ये सरासर झूठ है, बिल्कुल कैसे झूठ है भाई, उसने तो एक वीडियो बना के पाकिस्तानी खराब होती है बंदा डालना चाहिए, मतलब ये इसके दौर के अंदर मरियम नवाज की और जो है राणा सनावल कितनी ऑडियो ली किसने करवाई है पहले, ये करवा दे तो वो सही है, अगर वो कर दे तो मैं कब कह रहा हूँ कि वो भी सही है। मैं कब कह रहा भाई साहब दोनों तरफ से होती तो मैं कह रहा हूँ खेल ये चल रहा है, एक दूसरे की टांगे खींचना एक दूसरे को भाई साहब दुनिया के सामने उसका गलत, यही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब ये गलत कांड करी ना जिसे उनका इमेज खराब हो गया। कुछ भी नहीं है सारा डॉक्टर आसफ ने टीका लगाया ना वहाँ पर, ये भी तो अल्फाज इस्तेमाल कर सकता था कि मेरे 14 तबक जो रोशन हो गए पूरे किस्म के बुराई क्या बंदे के पीछे पड़े हो, पूरा मुल्क पड़ा हुआ है। अच्छा आप तीनों के पीछे लग जाने से क्या हो गया, हम तो सुनकर कह रहे हैं सारा सारी तेरी कबीला सुनकर सारे तेरे इदारे भी उसके खिलाफ है, क्या उखाड़ दिया क्या कर दिया, गोले भी मारी गिराया भी गया बदनाम भी किया, मुल्क से बाहर भी भेज रहे हो फिर भी कुछ नहीं कर सके आप, अभी क्या कर, आपकी मीडिया सारी जो शापर है वो लिफाफा शापर आपके वाले कुछ भी नहीं कर सके उसका, क्या बिगाड़ लिया दर्द नजर आ। अच्छा इसके मुंह से यकूब के मुंह से पता लग जाए लग जाएगा भाई कि इमरान आ रहा है आगे और पीछे से बजाई है ऑडियो उसकी जेन्युइन है, लेकिन ये मानेगा नहीं भाई, उसने बोला कि ये सरासर ज्यादती है जिसको बदनाम नहीं करना चाहिए, मान जा भाई, बोला कि मैंने ऐसा काम किया ही नहीं, उसने बोला है कि मैंने किया ही नहीं, मुझे बदनाम किया उसके बंदे भी बोल रहे हो खुद भी आप मिल जाए तो खाओ आप भी खाओ, आपके पास है आप चीनी का किलो ले नहीं सकते सलाजीत खान, सही बात है मिल जाती है चीनी का ले नहीं जाती पेट्रोल लो ना पड़े हम चीनी खाते ही नहीं, एक किलो पेट्रोल ले गया भाई यकूब भाई वो लीटर किलो या लीटर भाई नहीं हिल गया यकूब भाई लीटर थोड़ा सा ना गुस्सा रखता था क्योंकि वो हर बात भी पोर्की पोर्की बोलता था, लेकिन आज उसने ये बोला ना ये जो पोर्की है इनको वीडियो भी दिखा दी जाए ये तब भी नहीं मानेगा, इससे पता चला हम तो है ही नहीं, आप तो है ही नहीं, आप तो है ही नहीं, चला फेंकना है आज मालदा ने ऐसा मैं बेटा पूरी कितना चलेगा कि हमने नहीं जाए तो शर्म कर रहे हैं वो 76 साल का बंदा है एक व्यक्ति
इस बात की तो तकलीफ है, 74 का हो गया साला, कौन से काम कर रहा है? शर्म कर ले, वो 74 साल का आदमी है, आज जवान लड़कियां कहते हम शादी करने ख्वाहिशमंद है, तू जवान है पढ़ा लिखा, तुझसे कोई लड़का भी बात करना चाहता? बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन तू मान तो गया है, वो 75 साल से बजा रहा है। ओ भाई बजा नहीं रहा, लड़की उसकी बेटी की नुआ है। नहीं वैसे एक उसकी बेटी की बजाय यार बहन को बजाय उसकी, वो मोहब्बत है उन औरतों की, मोहब्बत उनके साथ लीडर के साथ, वो बड़ा है उनके लीडर ही बजा वो नहीं, लीडर क्यों बजाएगा भाई, उसका हक ही नहीं बनता, छोड़ेगा पूरे पाकिस्तान की तो बजा दी है। और मैं रहता नहीं ऐसे ऐसे ना किसी बंदे को जमीन करो, घर बैठे बंदे के ऊपर वो हम करते करो बैठे बंदे को थोड़ा किया है, और पंजाबी हर किस्म का इल्जाम उसके ऊपर आप 200 के ऊपर केस करवा दिए, क्या किया आएगा ना फिर भी वो नहींगा फिर भी वो लीडर बनेगा फिर भी वो हुकूमत को संभालेगा फिर भी वो ही सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो लीडर वो ही पाकिस्तान वर्ल्ड एक एक शक्ति बचा वो इमरान का, और कुछ नहीं बचा, बाकी जो बाकी रह गए इस दो के रुपए बाकी रह गए ये तो नहीं आएगा, ये तो इस दो का मुहाफिज है। चलो थोड़ा ये तो इस दो का मुहाफिज है, जाया तो नहीं ना करता ये बंदा, कभी भी इस बार इलेक्शन नहीं हारेगा, अल्लाह के हुक्म से जीतेगा और 10 साल के लिए इलेक्शन में किसी ने अच्छा ये दिया तो ये आगे थे और पीछे जितना मर्जी जोर बल्ले का निशान खत्म कर दे, इलेक्शन की बात लीडरों को पकड़ ले, पीटीआई को आवाम को पकड़ ले, फिर भी पीटीआई जीतेगी, ये जितनी बदनामी निकाल ले फिर भी इमरान खान ही जीतेगा। अच्छा मेरी बात आएगा, इमरान खान जीतेगा पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट जिंदाबाद जीतना है। अच्छा मेरी बात सुन ले यार, तू पीछे से बजाना सही है, तेरी बात गंदी है, अगर इमरान खान ने पीछे से बजाई हो तो क्या तू उसको लीडर मानेगा फिर अपना? भाई वो नहीं बजाता, नहीं अगर बजाई हो तो नहीं बजाता, अगर बजाई हो मान ले बजाई मान लो मान क्यों? अच्छा आप या फिर कह रहे थे बजाइए तो अच्छा किया फिर? नहीं मैं क्यों कहूँ उसने बजाई नहीं वो जो बेटे उसके फिर वो उसके बेटे ही नहीं है, वो तो शादी के हुए है ना, तू पहले तो नहीं उसने बजाई नहीं है तो प्ले बॉय शादी के बजाय उसके बच्चे पैदा वो तो जाए तो रहा नहीं, प्ले ओल्ड मैन है कि नहीं? नहीं ओल्ड मैन नहीं, प्ले बॉय था वो पहले जब वो क्रिकेट खेलता था, प्ले ओल्ड मैन है ना, वो बॉय था उस वक्त, उस वक्त बॉय था, अब तो ओल्ड मैन हो गया ना, अब ओल्ड मैन है, वो उम्र तो उसकी होगी लेकिन अब वो वैसे काम नहीं करता है। डॉक्टर अस्पताल इसीलिए बना रखा है ताकि उसका खड़ा होता रहे जितनी देर जिंदा, भाई वो उसकी अपनी हिम्मत, कब्र में उसकी टांगे हैं, कब्र में शर्म करे तो नमाज भी नहीं है, एक इमरान खान ने तो किया नहीं जो करते हैं शहबाज शरीफ की टांगे तो उसने कह रहे थे वो आज भी मारे कब्र में, वो मारे लड़की के साथ क्या कर रहा था, गलत कर रहा है भाई, वो सरकारी जो लोग है ये दूसरी कंट्री से मंगवाता क्या, सारे गलत कर रहे हैं क्या, हमदा शबाज क्या करता है इनमें, और इमरान खान क्या, और क्या किया अंधे आप आंखों से अंधे हो, क्या चीजें से गुरदास से ने क्या किया अंधे हो, अंधे हो वीडियो को दिखा तो मैं मानू भाई बात करते हो सबूत तो है, घर को एक वीडियो लेकर आना उसके ऊपर भाई, इतना भी ज्यादा मजा ना ना तुझे दिखाएंगे, मैं आपकी जैसा गंदा जलील इंसान नहीं अपने मुल्क का बदनाम करता फिर सही बात ठीक है, वो उन्होंने कांड की अल्लाह ने पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया, उसको हम क्या अल्लाह से डरे, अल्लाह हिसाब लेगा, तेरे मुल्क में हिसाब लेने वाला कोई नहीं है, दाते है ही नहीं, सही बात है, अल्लाह हिसाब लेगा उनसे, चलो ठीक है, इमरान खान को बदनाम कर रहे हैं ठीक है भाई, अपनी तिब्रू वाले से हिसाब लेगा, हम तो भाई शरीफ, तो तिब्रू वाले को भी हिसाब देने दे रहे, वो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, वो ऑडियो वो भी झूठ ही बोल रहा है, हमारी मीडिया का झूठ उसने आगे पहुंचा दिया, चलो भाई पहले हमारी मीडिया ने झूठ बोला, पीडीएम ने बनवाया, मीडिया ने बोला, फिर तिब्रू साहब ने वही झूठ आगे फैला दिया, बस बुला दे, और बजाय इसके रिसर्च करने के तिब्रू ने भी वही झूठ लगाया, रिपोर्ट बता रहे राणा तनाव का सबूत दे रहे, तो राणा खुद जो गांड बनवा रहा था वो क्या था वो जो क्या था वो झूठ है, वो तो वीडियो ऑडियो भी नहीं, वो वीडियो है, वो पठान थोड़ी है, जो भी था कोई वो बलोच होगा, चलो ठीक है भाई, वो गांड बनवा रहा था वो झूठ है, वो ऑडियो थी
तो आर्यो को तो सच मान रहे हैं। हर बंदा जो है ना, हर बंदा दूध का धुला नहीं है। इसे दलील शराबी कबाबी शराबी कबाबी पोटली चप्पी जो कह रहा था ना इसने करवाया है। आओ, अगर तू बंदे का बच्चा है लाजमी वीडियो लगानी है, तू लेके आएगा तो ले तेरे पास ही वीडियो। अच्छा ये ऑडियो असल होगी है वो, तो वो तो वीडियो वो नकली होगी। नकली भाई वो मालिश करवा रहा है, ऊपर जो है ना फेस लगा हुआ भाई साहब। अच्छा वो नकली हो गया, ये ऑडियो वाल थोड़ा सा समझदार है तो उसको देना भी नकली लगा हुआ है। वाह क्या बात है, क्या बात है। सुभाष ने नवाज शरीफ के नहीं देखे, वो खुसरो के ऊपर लगे होते हैं आजकल। क्या बात है, वो अगर नवाज शरीफ सरदारी के मुश्किल पे आ जाए वो झूठ है, इमरान खान की जो हो जाएगी वो सच होगा। क्या बात है, बड़ी लॉजिक की बात है। ठीक है भाई, अपनी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दें।